From the ashes I rise. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आज की स्टूडियो में मैं पार्ट फाइव फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि यार आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। सो फ्रेंड्स यार फर्स्ट नंबर के फैक्ट पे अपन आ भी चुके हैं, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन यार फर्स्ट नंबर के फैक्ट पे आ चुके हैं और फर्स्ट नंबर का फैक्ट आपको यार लॉबी में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो, मैं लॉबी में टीम कोड जनरेट कर दिया है और यहाँ पे मेरा जो टीम कोड है ना वो उसका यार शुरू के दो डिजिट और लास्ट के दो डिजिट हमेशा ही सेम होते हैं। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे देखो, मेरा शुरू के दो डिजिट क्या है 45 और लास्ट के दो डिजिट यार 69 है। तो यहाँ पे अब मैं जितनी भी बार यार टीम कोड जनरेट करूंगा ना तो वो सेम के सेम ही होने वाले। तो देखो मैंने यहाँ पे रैंक में एक और यार कर दिया है, टीम कोड जनरेट कर दिया है और यहाँ पे भी देखो 45 और 69 ही है, मतलब बीच के नंबर चेंज होते हैं बाकी यार शुरू के और लास्ट के दो डिजिट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 45 और यार 69 है ना, तो यार यहाँ पे देखो दोनों भाई सेम ही है। तो मतलब यार यहाँ पे टीम कोड जनरेट आप जितनी भी बार करोगे ना तो शुरू के दो डिजिट और लास्ट के दो डिजिट सेम होते हैं। सो ये वाला फैक्ट आप लोगों को पता था कि नहीं यार कमेंट में बता देना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर के फैक्ट पे। सो फ्रेंड्स यार आप लोगों को पता है कि आप यार अपने रेडम को येलो भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे देखो मेरा रेडम येलो है तो उसको यार मैंने किस तरीके से किया वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको रेडम को येलो करने के लिए आपको यार क्लासिक खेलना पड़ेगा और क्लासिक में आपको डिकोइल ग्रेनेड ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, अपना जो गन है ना मतलब उसके मतलब आपको एक थर्मल स्कोप की भी जरूरत पड़ेगी ये वाले ट्रिक को करने के लिए, ये वाले फैक्ट को करने के लिए। तो थर्मल स्कोप ले लो, फिर अपना जो लॉन्ग रेंज का गन है ना उसका स्कोप खोल दो। तो यार यहाँ पे मेरे पास ये है, फिर मैंने स्कोप खोल दिया और जो मैंने थर्मल स्कोप साइड में पड़ा था ना तो उसको मैंने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे अपना जो एम है ना वो रेड से येलो हो गया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यार किस तरीके से हुआ, यहाँ पे आपको जो थर्मल स्कोप है ना उसको पहले तो निकाल देना है गन्स के अंदर से और फिर स्कोप खोल देना है और फिर आपको यार थर्मल स्कोप को उठा लेना है। तो थर्मल स्कोप जैसे ही गन के अंदर बैठेगा तो आपका एम है ना येलो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो ये वाला फैक्ट आप लोगों को पता था कि नहीं कमेंट में बता देना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने तीसरे नंबर के फैक्ट पे। तो अभी अपन आज हमने तीसरे नंबर के फैक्ट पे, तो तीसरे नंबर का फैक्ट आपको यार देखने को मिल जाएगा डबल वेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आप डबल वेक्टर को यार चलाते हो तो कुछ इस तरीके से साउंड आता है, मतलब नॉर्मल आप चलाते हो तो कुछ इस तरीके से साउंड आता है, बाकी आप जब डबल वेक्टर को पानी में चलाते हो ना तो उसका पूरा का पूरा साउंड गायब हो जाता है। मतलब यार थोड़ा सा साउंड आता है उसके बाद यार साउंड ही नहीं आता है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुनो उसके बाद बताना। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे पूरा का पूरा साउंड है ना चेंज हो जाता है, एकदम यार मस्त वाला फैक्ट है, एकदम यार अमेजिंग वाला फैक्ट है। ये वाला फैक्ट आप लोगों को पहले से पता था कि नहीं कमेंट में बता देना। और ये वाला फैक्ट आप लोगों को अच्छा लगा होता है लाइक ठोक दो और चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब ठोक दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने मतलब चौथे नंबर के फैक्ट पे। तो अभी अपन आज तुमने चौथे नंबर के फैक्ट पे, तो चौथे नंबर का फैक्ट आपको यार देखने को मिल जाएगा पीक पे। तो पीक पे फ्रेंड्स यार आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे आपको ये जो ब्रिज है ना इस ब्रिज के पास में आ जाना है। और ये वाले फैक्टों को करने के लिए आपको इवेंट वाला स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, मतलब यार यहाँ पे स्प्रे लेके आ जाओ और यार ये वाली लोकेशन पे कुछ स्प्रे कर दो ना जहाँ पे मैंने किया है। और फिर आप यार स्प्रे को देखोगे ना मतलब जो स्नेक है ना उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो स्नेक है ना ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो मतलब ब्लिंक कर रहा है ना। तो यार यहाँ पे देखो वो स्नेक यार ब्लिंक कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वो स्प्रे है ना इवेंट वाला स्प्रे उसको मैंने स्प्रे कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी स्क्रीन है ना उसको धीरे धीरे हिलाते रहा ना तो जो स्नेक है ना वो यार ब्लिंक करते हुए दिखाई देता है। तो ये वाली ट्रिक से ये वाले फैक्ट से आप यार अपने टीममेट को सरप्राइज कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे इन्हें भी देख रहा है तो वो भाई पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया होगा, वो बोल रहा होगा भाई ये तो एकदम रियल रखना है, जो स्नेक है ना वो एकदम रियल लग रहा है ना। तो ये वाला फैक्ट आप लोगों को पता था या नहीं कमेंट में बता देना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने पांचवें नंबर के फैक्ट पे। सो अभी अपन आज को हमने पांचवें नंबर के फैक्ट पे, तो पांचवें नंबर का फैक्ट है यार आपको लॉबी में ही देखने को मिल जाएगा। और ये वाला फैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने बताया था, बाकी यार मेरे को याद नहीं आ रहा किसने बताया था, बाकी यार जिसने भी बताया ना तो उसके लिए थैंक यू। और ये उस बंदे ने मेरे को बताया था कि ये वाले फैक्ट में होता यह है कि आपका जो पुशअप वाला इमोट है ना जो मेल कैरेक्टर है वो वन उंगली से करता है, बाकी जो फीमेल कैरेक्टर है मतलब जो गर्ल कैरेक्टर है ना वो यार दो उंगली से करती है। मतलब यार यहाँ पे देखो बॉय कैरेक्टर वन उंगली से कर रहा है, यहाँ पे देखो पुशअप वाला इमोट वन उंगली से कर रहा है, बाकी जो फीमेल कैरेक्टर है ना मतलब गर्ल कैरेक्टर, यहाँ पे केली ले ली है तो केली तो भाई रियल गर्ल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो यहाँ पे ये पुशअप वाला इमोट दो उंगली से करेगी, तो ये बताया था उस भाई ने। और यार ये एकदम रियल है, मतलब एकदम मस्त वाली ट्रिक है, एकदम मस्त वाला फैक्ट है, मुझे यार पहले नहीं पता था, एकदम
एकदम पहली बार पता चला। तो कोई ना फ्रेंड्स, यार ये वाला फैक्ट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। ये वाले मतलब फैक्ट का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो ओके फ्रेंड्स, यार मिलते हैं ना किसी दूसरे वीडियो में।